नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार का चर्म रोग है तो उसको दूर करने के लिए कैसे आप आसान सा भस्म तैयार कर सकते हैं जिसका लेप लगाने से आपके हर तरह का चर्म रोग आसानी से दूर हो जाता है और किसी भी प्रकार का आपको स्किन का इन्फेक्शन नहीं रह जाता है। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं नीम के पत्ते का भस्म बनाने की विधि के बारे में। सबसे पहले नीम के पत्ते को साफ पानी से धो लीजिए। इसके बाद सांवली छांव में, यानी कि जब छांव हो वहां पर अच्छी तरह से सुखा लें। उसके बाद इसे मिट्टी के बर्तन में डालकर इसे मिट्टी के ढक्कन से ढक करके मिट्टी से बंद कर दें और इसे आग पर गर्म करें। जब पूरी तरह से नीम की पत्ती जल करके राख हो जाए तो इसे पाउडर बना करके कांच की बोतल में भर करके रख लें। नीम भस्म इस प्रकार से आपकी तैयार हो जाएगी। 5 ग्राम सुबह और शाम गुनगुने जल से सेवन कीजिए इसको। इससे 5 से 7 दिनों में गुर्दे एवं मूत्राशय की पथरी नष्ट हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। इस भस्म के सेवन से रक्त के हर तरह के रोग नष्ट हो जाते हैं, यानी कि रक्त शुद्ध हो जाता है आपका। यह रक्त शोधक भी है। इस भस्म को नारियल तेल में मिला करके कपूर या गंधक में मिक्स कीजिए और लगाइए, चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, इस भस्म को मिला दीजिए आप कपूर, नारियल तेल और ये भस्म और लगा लीजिए शरीर पर, हर तरह के चर्म रोग नष्ट हो जाएंगे। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।